नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके हैं कि हमने आपको हिंट कर दिया है कि आपका इंतजार हुआ खत्म। तो किस चीज का इंतजार खत्म हुआ? आप जानते हैं कि हमने एक किताब लिखी थी आधुनिक भूमि पैमाइश की, उसका सेकेंड एडिशन अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड एडिशन आने वाला है। इसके साथ साथ एक मैंने और किताब लिखी है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। इस महीने मतलब नवंबर से दिसंबर लास्ट तक में 2021 में ही वो किताब कंप्लीट हो जाएगी। उसका नाम है आधुनिक अंक गणित। ये किताब कैसी है और किन लोगों के लिए है? तो ये किताब है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, एसएससी की, लेखपाल की, अमीन की, या फिर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं लेकिन व्यवहारिक गणित समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब है। बहुत मोटी किताब नहीं रहेगी, लगभग 200 पेज की किताब रहेगी। ये किताब एक आधार तैयार करेगी कि आप गणित कैसे सीख पाएं। अगर आप तैयारी करने वाले छात्र हैं तो इस किताब के बाद हम और किताब गणित की लिखेंगे कंप्लीट, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी गणित पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करते, केवल अमीन बनना चाहते हैं या लेखपाल बनना चाहते हैं या केवल पुलिस बनना चाहते हैं या फिर कोई छोटी मोटी परीक्षा देना चाहते हैं जहां सामान्य गणित आती है, उसके लिए किताब परफेक्ट रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गणित पढ़ाते हैं और हमने कभी आपको बताया भी था कि हम शुरुआत में गणित में बहुत कमज़ोर थे। हाई स्कूल में गणित में हमारा सबसे कम नंबर था और गणित हमने केवल हाई स्कूल तक ही पढ़ा है। लेकिन जब हमारी कोचिंग में हम देखते थे कि जो लड़के बीएससी कर रहे हैं वो भी मैथ से, वो भी गणित पढ़ने आए हैं, मैथ पढ़ने आए हैं, हालांकि वो बीएससी की मैथ नहीं पढ़ने आए हैं, कंपटीशन वाले मैथ पढ़ने आए हैं, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, तो मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं होता था कि मतलब मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ और बीएससी के छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं गणित पढ़ रहे हैं। तो बड़ा सा मतलब गर्व महसूस हुआ। तो वही एक कॉन्फिडेंस है जो हमने ये किताब लिखनी शुरू की है। और ये किताब किस तरह की है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, जो बच्चा शुरू से ही गणित पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या हिंदी मीडियम में ही, लेकिन उसका बैकग्राउंड गणित है, यानी कि गणित में उसकी रुचि है, तो वो तो बाद में उसको गणित में कोई समस्या नहीं होती, गणित उसका बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जिसकी बचपन में गणित में रुचि नहीं है या गणित नहीं पढ़ा, हाई स्कूल इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद अब परीक्षा देने के लिए उसको गणित की ज़रूरत है लेकिन गणित वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो किताबें गणित की लिखी गई हैं मार्केट में जो आई हैं वो अपने अपने सिलेबस के हिसाब से गणित लिखी गई हैं। जैसे अगर आप एसएससी की लेंगे तो एसएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल उस तरह के प्रश्नों को उसमें हल करवाया गया है। पुलिस बनेंगे तो उसमें जो जिस तरह के सवाल आती हैं उसका आप सिलेबस पढ़ेंगे, एसएससी सीजीएल का तो उस लेवल की, मतलब जो भी आप तैयारी करेंगे उस तैयारी वाली गणित की किताब को खरीद लाएंगे। लेकिन आपका बेस तो मजबूत ही नहीं है, आपको तो गणित आती ही नहीं है, तो कैसे तैयारी कर पाएंगे? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है बच्चों में। तो इस बात को हमने बहुत नज़दीकी से समझा, बहुत गहराई से समझा और बहुत रिसर्च किया इस बात पर कि कैसे जिसको गणित नहीं आती उसको गणित समझाई जाए, बताई जाए और सिखाई जाए। तो ये किताब एक एनसीईआरटी मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति जब इतिहास पढ़ता है, भूगोल पढ़ता है कंपटीशन के लिए, तो सबसे पहले वो उस विषय की एनसीईआरटी पढ़ता है, एनसीईआरटी के बाद अपनी मेन किताब पढ़ता है। तो एनसीईआरटी क्या होती है कि उसके आधार को एकदम तैयार कर देती है, उसके जड़ को एकदम मजबूत कर देती है। ये किताब एक एनसीईआरटी की गणित मान लीजिए कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपकी जड़ एकदम मजबूत हो जाएगी और फिर आप गणित में चाहे जितना आगे जाएं आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये किताब स्पेशल उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों को गणित से डर लगता है और ये मान चुके हैं कि हम इस जीवन में तो गणित नहीं सीख पाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप गणित जरूर सीख जाएंगे, क्योंकि हमने गणित कैसे सीखा जाए इसकी हमने जड़ पकड़ लिया है और उस बात को इसमें स्पष्ट रूप में बताया है। छोटी छोटी बातें कि महत्तम लघुत्तम क्या होता है, लोग रट लेते हैं, समझ नहीं पाते कि महत्तम क्या है, लघुत्तम क्या है, अपवर्तक क्या है, अपवर्त क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न क्या है, संक्षिप्त भिन्न क्या है, संपूर्ण भिन्न, मतलब ऐसी सी छोटी छोटी बातें जिन्हें हम जाने बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, उनको हम जानते ही नहीं और डायरेक्ट ऊपर की कठिन कठिन सवालें पढ़ने लगते हैं। तो ये जो स्तर हमने इसमें बनाया है वो बहुत मददगार होगा आपके लिए।
तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस किताब को ज़रूर मंगवाइएगा। अभी तैयार नहीं हुई है, जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक में ये तैयार हो जाएगी। एक किताब जब तैयार हो जाएगी तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, उसका पूरा कंटेंट दिखाएंगे कि क्या क्या उसमें चैप्टर है, और उसका एक आध चैप्टर का PDF हम डाउनलोड करके आपको दिखा देंगे, तो आप समझ भी पाएंगे कि हाँ इस तरह का इसमें लिखा गया है, है ना। अभी पूरी बात हम आपको उसमें क्या बताएं क्योंकि अभी तैयार ही नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये था कि जो आप लोग व्याकुल थे कि सर गणित वाली किताब कब आ रही है, तो आपकी व्याकुलता को हम दूर कर दें और बता दें कि बस 2 महीने के अंदर ही किताब आपके सामने हाजिर हो जाएगी मार्केट में। लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, जैसे पहले मंगाते थे। सीधा व्हाट्सएप पे पता भेजेंगे, पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपके घर डिलीवर हो जाएगी बाय पोस्ट। किताब की कीमत मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम हो, इतनी कम हो कि इसे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उसको खरीद सके। उसको खरीदते समय ये ना सोचे कि पैसा नहीं है मेरे पास। कोई भी हो, कितना भी कमज़ोर हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं प्राइस रखूँगा वो हर व्यक्ति खरीद सकता है, खरीदेगा। और जो पहली किताब हमने लिखी दिया है आधुनिक भूमि पैमाइश की, उसका फर्स्ट एडिशन पूरा ख़त्म हो गया है, लगभग थोड़ा बहुत बचा है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, आपके सामने है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप विजिट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे मिलेगी। लेकिन सेकेंड एडिशन के लिए भी 2 महीने का वेट करना है, 2 महीने में तक आ जाएगी आपके पास सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन में नए चैप्टर भी जोड़े गए हैं और जो अशुद्धियाँ थी, कुछ प्रिंट दोष थे, उसको भी दूर किया गया है। और सबसे खास बात कि जो आधुनिक भूमि पैमाइश की पहली किताब मंगवा चुका है, वो अगर दूसरी किताब मंगवाएगा तो उसको आधे दाम पर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड एडिशन की किताब 200 रुपये की है, तो जो पहले वाली एडिशन पढ़ चुके हैं उनको इसके लिए सिर्फ 100 रुपये ही देना होगा, डिलीवरी चार्ज सहित, इससे ज़्यादा नहीं। पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है क्योंकि आपने पता भेजा था, मोबाइल नंबर भेजा था, सब सेट है। तो न आपको समस्या होगी न मुझे समस्या होगी, तुरंत पता हो जाएगा कि हाँ ये किताब हमने आपके पास भेजी है कि नहीं। भेजी होगी तो आधा पैसा देना पड़ेगा, अगर आप पहली बार लेंगे तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन गणित की किताब के लिए जो भी चार्ज रखेंगे वो सबको कॉमन रहेगा, सबको बराबर देना पड़ेगा। तो ठीक है, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, किताब लेना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, तो कम से कम तसल्ली हो जाएगी हमको कि हाँ काफ़ी लोग हैं जो हमारी किताब को पढ़ेंगे। तो जो बचा हुआ मेरा अभी है कुछ, उसको कंप्लीट करना है, उसको और जोश खरोश के साथ उसको कंप्लीट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसे हम तैयार कर सकें। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप यस लिखिएगा और लिख दीजिएगा कि यस हम पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा रहेगा। बाकी किताब जब आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसका पूरा रिव्यू हम कर देंगे, दिखा देंगे, किताब का विमोचन हो जाएगा, उसके बाद मार्केट में आएगी, उसके बाद हम आपके पास डिलीवर करेंगे। बिना किताब के पहले हम कोई बुकिंग नहीं शुरू करेंगे, अभी आप केवल यस लिखिएगा बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।